ये है वो डॉक्टर जिसने 2.5 लाख रुपए का नाम जीता, कितने टाइम में इसने कवर करा? तो भैया कितने दूरी कितनी रेस? मैं 30 किलोमीटर की। 30 किलोमीटर की, और कितने टाइम में कवर करा? 1 घंटा 26 मिनट। 1 घंटा 26 मिनट। और भाई वो पहुँच चुके हैं टिंकू बटावली भाई के डेरे में, और अब भाई से मिलवाएंगे। झोटा भी यहीं पे है, और चलो चलते हैं आके भाई से करते हैं बात। ये बन रहे भाई के झोटे, दोनों झोटे हैं आप। अभी टिंकू भाई भी आने वाले हैं। तो भाई आज हम आए हैं टिंकू बटावली के पास, और भैया से जानते हैं कितनी दूरी की थी रेस और कितने टाइम में इस झोटे ने, ये है वो झोटा जिसने 2.5 लाख रुपए का नाम जीता, कितने टाइम में इसने कवर करा? तो भैया कितने दूरी की थी रेस? मैं 30 किलोमीटर की। 30 किलोमीटर की, और कितने टाइम में कवर करा? 1 घंटा 26 मिनट। 1 घंटा 26 मिनट। और विपक्षी कौन थे सामने? पूरा सैनी था और सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, और इसकी तैयारी कितने महीने या साल से चल रही थी? भाई तो तैयारी तो वैसे 5-4 महीने चलती है, वैसे पहले छोटी कर रहे थे, मेरे लंबी लंबे। अच्छा, तो मतलब उनसे जो रेस की बात हुई थी वो 4-5 महीने पहले होगी थी? रेस तो हुई थी 8-7 दिन पहले ही। बस 8-7 दिन पहले हुई थी कि भाई तुम्हारे भी? भाई 6 तारीख में हुई थी और 18 भागा था। तो जैसे कि भाई टिंकू बटावली, आज गंगा जी पे लाखों की संख्या में लोग हैं, लेकिन इनका नाम ऐसा हो गया है हमें यहाँ तक आने में कोई दिक्कत नहीं हुई। टिंकू बटावली नाम हमने जहाँ से भी पूछा, इनको वहाँ भाई वहाँ डेरा है, वो सेक्टर है, बहुत बढ़िया नाम कमाया इन्होंने अपने पशु से। तो कोई सरकारी नौकरी से नाम कमावे, कोई प्राइवेट से, कोई अपने बिजनेस से, लेकिन इन्होंने अपने पशु पर मेहनत करके अपना नाम, अपने ग्रुप का नाम, क्या नाम है भैया आपका? टिंकू। तो जिनका भी, जो भी भाई यहाँ पे मौजूद है और जो नहीं है यहाँ पे, उनका भी नाम बहुत अच्छे से नाम रोशन करा इन्होंने। तो भैया आप एक चीज़ और बताओ, हर चीज़ तो चलो चलती रहे, तुम्हारे जैसा जो बनना चाहे और उनकी उनके पशु की डेथ हो जावे, तो हम झोटे नहीं भगाते, तो हमें बहुत बुरा लगा है कि भाई पशु मर गए, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? तो भाई अपनी मेहनत करो, खुआने पिलाने की डोज पोज ये तो खैर थोड़ी घनी है, सबसे बड़ी बात तो अपनी चलाने पिलाने की और घुमाने फिराने की, खुआने की। एक बजट बता दो कि भाई अगर तुम्हारा बजट 1 लाख से 2 लाख के बीच में है, तो तुम तुम्हारा पशु को, हर जीत तो अलग बात है, पर भाई अगर एक बजट सेट हो जाए कि भाई इस इंसान का 2 लाख का बजट है, तो इसके पशु का कुछ नहीं होने का, हर जीत तो वो तो देख ही जाता है। बजट कुछ ना होता, बजट कुछ नहीं, कोई बजट नहीं होता। 3 किलो खा के भाग गया, कोई 1 किलो खा के भाग गया, कोई बजट नहीं होता। सबसे हिसाब है, ठीक है, सबकी सबसे बड़ी बात है मेहनत। तो जैसे आप 2.5 लाख रुपए का नाम जीते, तो अब आपने कोई अपना इनाम सेट करा कि भाई अगर आगे चैलेंज आया अगली गंगा जी पे, तो मतलब इतने से कम हम नहीं भगाएंगे? भाई जो हमारे विभाग से अगर कहेंगे और राज्य को सी हमारे तो साल भर पड़ा, साल भर का पता नहीं कब क्या हो जाए, ठीक है, ये भी काम में जाएगा। 15-20 दिन हम है, कोई हमें 15-20 दिन तक कह होगा तो हम रेस भगा देंगे 10 किलोमीटर तक ऊपर, और बात फिर अगली साल ठीक है, जब की जब देखे जाओगे। तो भाई नहीं, पैसे की भैया पैसे का सट्टा भगाते ना, 1 रुपया हो या लाख हो या 10 लाख हो, वो भगे ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है। तो भाई मान सम्मान की लड़ाई है, मान सम्मान में लड़ रहे, ठीक है। तो भाई आओ, इसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बोले गंगे भाई की जय, बोले धारा की जय। तो भाई उम्मीद करेंगे कि अगली साल भी फिर इनसे मिलना हो। भैया राज्य खुशी रखो, सबको और अपने भाइयों को, बस बस ठीक ठाक रहे, और हमारा झोटा अगले साल को फिर आऊंगे मिलने। मेरे सब भैया गंगा जी नाम राजीव जी बता दे। भाइयों, टिंकू भाई के दोटे ने भी 2.5 लाख का इनाम जीता था, उसके लिए अपने पुरस्कार मिल रहा है। दिनांक 19 नवंबर सिद्धार्थ बिलसुरी वर्सेस, आपको इसमें जो डिटेल है वो सब आप इसमें वीडियो में मिल जाएगी। ये बड़े हैं टिंकू भाई। हां भैया, यो है भाई का वो झोटा जो अभी नाम जीता है। आजा भैया बलियो रे, आजा वकील साहब, नहीं आजा वकील।